Guys, UEFA Champions League is one of the most elite competitions in the footballing world. दुनिया में सबसे बड़े एलीट कॉम्पिटिशन्स में आता है चैम्पियंस लीग, और इसमें जो भी टीम या तो क्वालिफाई भी होती है तो उसके लिए बहुत बड़ी मतलब एक बड़ा यू कैन से एक अचीवमेंट होती है. एंड टू गो थ्रू द चैम्पियंस लीग राउंड ऑफ 16 एंड क्वार्टर फाइनल्स एंड गो थ्रू द सेमीफाइनल्स एंड एक्चुअली विनिंग द कॉम्पिटिशन इज वन ऑफ द थिंग्स लाइक एवरी क्लब जो दुनिया के तो नहीं, यूरोप के जितने भी क्लब्स हैं, लीग क्लब्स, हर कोई ये ड्रीम करता है कि वो एक दिन चैम्पियंस लीग जीते या एटलीस्ट उसमें खेले. तो और हर प्लेयर दुनिया का ये एक सपना रहता है उनका, चाहे वो आप साउथ अमेरिका से हो या इंडिया से हो, यूरोप से हो, एशिया से हो, कहीं से भी हो, एक बार तो वो सोचा ही होगा कि वो चैम्पियंस लीग में खेले. क्यों? बिकॉज उसका जो हाइप है इतना, और वो जो गेम पूरी दुनिया देखती है उस चीज़ को, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्योर क्वालिटी ऑफ इट. एंड द क्वालिटी हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मैनचेस्टर सिटी लास्ट नाइट. भाई कल रात की मैच में मैनचेस्टर सिटी ने बायर्न म्यूनिख को तो मतलब एकदम बच्चे लोग के जैसा है, इट वॉज लाइक बॉयज़ वर्सेज मैन. ऐसा लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी ऑलमोस्ट टॉय कर रही थी बायर्न म्यूनिख के साथ. हाँ, फर्स्ट हाफ में देयर वर सम चांसेस की ऐसा लग रहा था कि बायर्न म्यूनिख में कैपिटलाइज ऑन सम अपॉर्चुनिटीज, बट उसके बाद जो मैनचेस्टर सिटी ने रॉड्री के बाद गोल मारा, और सेकेंड हाफ में जो मैनचेस्टर सिटी आई थी, मैनचेस्टर सिटी एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट टीम थी फर्स्ट हाफ से, और बायर्न म्यूनिख एकदम ही मतलब शेल शॉक्ड हो गई थी. मुझे तो ऐसा लग रहा था, थोड़े चांसेस थे लेरॉय साने के पास जो शॉट्स मारे थे, डायरेक्ट शॉट्स थे, गेम प्ले तो बना ही नहीं पाई बायर्न म्यूनिख की टीम, बट लेरॉय साने ने कुछ शॉट्स मारे थे जो कि इधरसन ने वैसे बहुत ही अच्छे सेव्स किए. ब्राज़ील के गोलकीपर है इधरसन, बहुत नंबर टू गोलकीपर है, वैसे तो वो नंबर वन होंगे कोई भी टॉप टीम में, बट उनके दूसरे कीपर है एलिसन बेकर, बट बात उसकी नहीं करना है, बात हम करेंगे मैनचेस्टर सिटी की. भाई जो लोग ने जो कल गेम प्ले दिखाया ना, ऐसा लग रहा है कि हर साल हम बात करते हैं कि मैनचेस्टर सिटी गाइस की चैंपियंस लीग विनर, अगर आप कोई बात चल रही है तो सबसे पहले हर किसी के मुँह पर यही बात आती है कि मैनचेस्टर सिटी विल बी द चैंपियंस ऑफ दिस सीजन चैंपियंस लीग. मतलब पिछले 2-3 साल से यही चलता आ रहा है कि इस सीज़न तो मैनचेस्टर सिटी का होने ही वाला है, और ऑलमोस्ट हो भी चुका था दो ओकेजन पे, एक बार फाइनल में हार चुकी थी, एक बार सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड जो कि इवेंचुअली विनर्स थे उस सीज़न के, उनसे हारी. बट अगेन ये सीज़न कुछ डिफरेंट हो रहा है गाइस, बिकॉज अर्लिंग हालैंड की हम जितनी बात करें, जितना प्रेस करें भाई उतना कम है उसको. मतलब दैट गाइज वन ऑफ द यू नो मोस्ट फ्लेक्सीबल, जितना वो हाइट है, जितना उनकी हाइट है और जितना उनकी फिजिक है, टॉल है वो, इतनी देख के लगता नहीं कि वो इतने फ्लेक्सीबल होंगे. बस जिस हिसाब से कल उन्होंने गोल मारा था भाई, बहुत ही आई कैन से मतलब वर्ड्स ही नहीं है उस गोल के लिए. एंड अगेन जो सिटी का गेम प्ले रहा था, ऑलमोस्ट मैनचेस्टर बायर्न म्यूनिख को पूरा ब्रेक कर दिया था. मतलब मिडफील्ड में बायर्न म्यूनिख एकदम घूम रही है, ओपामेकानो को कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसको पास करो, जो गोरेट्स का उनके प्लेयर है जो डिफेंडर है उनको भी अच्छा डिफेंस नहीं करने हो रहा है, जितने अच्छे प्लेयर जो है किमिच, जोशुआ किमिच, उनकी भी मतलब हो रही नहीं है, गेम ही नहीं बन रहा है. मैनचेस्टर सिटी ने पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था गेम प्ले को, एंड मेरे हिसाब से तो वो राइटली सो, अभी के लिए तो आप राइटली बोल सकते हैं कि मैनचेस्टर सिटी एक पैरों का सेमीफाइनल में आ चुका है. अगर आप मैनचेस्टर सिटी के फैंस हो सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर यू, बहुत ही खुशी की बात है मेरे जैसे. सो या बट सेकेंड लेग बहुत हार्ड हो सकता है. 3-0 की लीड ऑब्वियसली फर्स्ट लेग में ले लिए मैनचेस्टर सिटी ने, बट सेकेंड लेग जो है गाइस वो बायर्न म्यूनिख के अरीना में, यानी कि अलियांस अरीना में होने वाला है. सो अलियांस अरीना इफ़ यू नो वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसेस या टफेस्ट प्लेसेस टू गो एंड एक्चुअली विन अ गेम, वहाँ पे जाके गेम खेलना यही बड़ी बात है, मतलब जीतना तो दूसरी बात हो गई, बट दिस मैनचेस्टर सिटी हैज़ डन इट. इन पास्ट में हमने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी करके दिखा चुका है, जब रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हमने वो सीज़न अवे में जीता था, और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट टॉटनहम भी जीत चुके हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं बड़ी टीम्स को हराना. एंड ये मैनचेस्टर सिटी टीम इसके लिए तो मतलब मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट गो थ्रू तो हो जाना चाहिए, मे बी 3-2 से वहाँ पे हार जाए, 2-0 हार जाए, बट मुझे लगता है कि मैनचेस्टर सिटी ग्रो थ्रू करेगी. बट अगेन यू कैन नॉट बैट ऑन इट बिकॉज बायर्न म्यूनिख को आप कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो. सो या मैनचेस्टर सिटी इज ऑलमोस्ट थ्रू, ये आधा पैर हो चुका है सेमीफाइनल में, और डिपेंड करता है आज की मैच में, आज रात में जो मैच है मैड्रिड वर्सेस चेल्सी, तो मैड्रिड वर्सेस चेल्सी की जो मैच है इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग बिकॉज मतलब चेल्सी की तरफ से नहीं, बिकॉज चेल्सी तो पिछले कुछ सीजन में ये सीज़न में ही
इतनी अच्छी रही नहीं है, उनका अटैक में इतने गोल्स नहीं बन रहे, पूरी चेल्सी की टीम से ज़्यादा मैनचेस्टर सिटी के अर्लिंग हालैंड ने गोल्स मारे हैं, मतलब पूरा टीम चेल्सी की मिला के जितने गोल नहीं मार पाई है उससे ज़्यादा गोल तो अर्लिंग हालैंड ने अकेले मार चुका है। सो चेल्सी मेरे को नहीं लगता है कि भाई इतना चैम्पियंस लीग में आगे, इससे आगे तो जाने वाली है, मुझे तो नहीं लगता है, बट अगर चले गई तो यू कैन से इट इज़ अ मिरेकल, जैसे वो हेरा फेरी का मीम है मिरेकल वैसा हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। बट रियल मैड्रिड को हराना इतना आसान नहीं है और मुझे लग रहा भी नहीं कि हराने वाली है, बट आज की रात में हमको ये देखना है कि मैनचेस्टर सिटी और बायर्न म्यूनिख किसको फेस करेगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये जो फर्स्ट लेग रहता है चैंपियंस लीग का गाइस वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेग्स रहता है, बिकॉज अगर फर्स्ट लेग में आप एडवांटेज लेके जाते हो तो काइंड ऑफ एक मेंटल एडवांटेज रहता है कोई भी टीम के पास, भले वो छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी टीम हो चाहे वो होम में हो या अवे में हो, उनके पास एक मेंटल एडवांटेज रहता है। सो या दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, सो वी विल लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं तो मैच देखने वाला हूँ आज रात में, एंड या मैनचेस्टर सिटी अगेन मुझे लगता है कि ये सीजन के चैंपियंस अगेन हो सकते हैं, या एटलीस्ट फाइनल तक तो जाना ही चाहिए जिस हिसाब से मैनचेस्टर सिटी खेल रही है। एंड अगेन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो सब्सक्राइब, आई एल बी मेकिंग वीडियो अगेन इंडियन फुटबॉल मैनचेस्टर सिटी फॉर फुटबॉल पे वीडियोस बनाता हूँ, मुंबई सिटी एफसी के भी वीडियोस थोड़े आते रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ माई जॉब आई एम नॉट गेटिंग द टाइम, लाइक थोड़ा इतना टाइम नहीं मिल रहा है अभी मुझे जॉब की वजह से, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड ऑल्सो मेकिंग वीडियोज। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड मे भी हो सकता है एक दो महीने में अगर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे सो आई विल बी मेकिंग लाइक एक पीसी सेटअप, मैं एक पीसी सेटअप बनाने वाला हूँ एक गेमिंग रूम टाइप, बिकॉज आई एम अ ह्यूज लाइक मुझे बहुत शौक है, आई वांट टू सेटअप अ पीसी ऑफ माय ओन। सो या वी विल सी वेयर दैट गोस, सो इफ यू वांट टू सी दैट एक दो महीने के अंदर दो तीन महीने में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स गो ब्लूज़।